नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो तुमकुरु में एचएएल के स्वदेशी हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 6 फरवरी को कर्नाटक के तुमकुरु में एचएएल के हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 615 एकड़ भूमि में फैली ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की योजना देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान बनने की दृष्टि से बनाई गई है। मंत्रालय का कहना है कि एचएएल की 20 वर्षों की अवधि में 4,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुल कारोबार के साथ 3-15 टन की सीमा में 1,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर का उत्पादन करने की योजना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के अलावा तुमकुरु सुविधा अपने सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगी, जिस पर कंपनी पर्याप्त मात्रा में खर्च करेगी। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी 6 फरवरी को सुबह 10:55 पर बेंगलुरु पहुंचेंगे और बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सोमवार को बेंगलुरु में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ वो तुमकुरु में एचएएल हेलीकॉप्टर कारखाने को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। वहीं G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली के कायाकल्प की तैयारियां चल रही हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार तमाम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर उनके अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रही है। पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 448.37 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बजट आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसने एयरपोर्ट रोड और प्रगति मैदान के आसपास के प्रमुख हिस्सों पर सौंदर्यकरण का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे देशों की तर्ज पर दिल्ली के बुनियादी ढांचे को नया रूप देना, जिन्होंने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, उस पर लगभग 927.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधिकारियों के मुताबिक समिट की तैयारियों पर 20 से ज्यादा विभाग काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, जो शहर के प्रमुख सड़कों और फ्लाईओवर की देखभाल करता है, और दिल्ली नगर निगम, जो स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, बाजारों, कॉलोनी, सड़कों को देखता है, जैसे प्रमुख विभागों ने सबसे ज्यादा बजट का अनुरोध किया है। पीडब्ल्यू द्वारा लगभग कई करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बजट आवश्यकता का उल्लेख किया गया, जिसे एयरपोर्ट रोड और प्रगति मैदान के आसपास के प्रमुख हिस्सों का सौंदर्यकरण शुरू हुआ है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तकरार बिल्कुल बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब के 36 प्रिंसिपल का पहला बैच आज ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना हो गया है। ये पंजाब के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। एलजी साहब से मेरी गुजारिश है, दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दीजिए। दिल्ली के टीचर्स और बच्चों से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं? पंजाब के 36 प्रिंसिपल का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना हुआ है। ये पंजाब के बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। वहीं साथ ही से तर्ज पर दिल्ली में भी टीचर्स को ऐसा करना चाहिए। अब बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दखल की वजह से दिल्ली सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड नहीं भेज पा रही है। सिसोदिया ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून में किए गए संशोधन से एलजी को दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की शक्ति मिल गई है। उप मुख्यमंत्री ने यहाँ एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैं एलजी से कहना चाहता हूँ कि वो सरकार के कामकाज में दखल देने के लिए GNCTD कानून में संशोधन का इस्तेमाल ना करें। जब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज सकते हैं, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को भी अधिकार होना चाहिए। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई भारी गिरावट की वजह से बीते दिन देश की संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। गिरते शेयरों की वजह से अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट हुआ है। अडानी के मामले पर मचे बवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब बड़ा बयान दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की स्थिति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 2 दिनों में बढ़कर $8 मिलियन हो गया है। FII का आना जाना और FPO का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अडानी के मामले से भारत की छवि और स्थिति प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नियामक अपना काम करेंगे। रिजर्व बैंक ने अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी
एफपीओ वापस लिए गए हैं। शुक्रवार को संसद विपक्षी सदस्य अडानी ग्रुप के मुद्दे पर चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेशकों की चिंताओं को दूर करते हुए कहा था कि देश की बैंकिंग प्रणाली लचीली और स्थिर बनी हुई है। आरबीआई ने कहा कि वो सतर्क है और देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की निगरानी करना चाहते हैं। आरबीआई की ओर से कहा गया कि नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से बैंकिंग क्षेत्र और व्यक्तिगत बैंकों पर निरंतर निगरानी रखता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा के 26वें दिन की शुरुआत गोपालगंज के गांधी कॉलेज मैदान से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ गोपालगंज से पदयात्रा के लिए निकले। उनकी यात्रा भिदभेरवा, कुनहुआ, बस्टलिया खास, इंदरवा अब्दुल्ला, सेमरा, बिदसी टोला होते हुए एक दिरवा पंचायत के बरगछिया मैदान में पहुंची। प्रशांत किशोर की पदयात्रा को गोपालगंज में 21वां दिन था। इस दौरान उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी पर तंज कसा। जनसराज पदयात्रा के दौरान गोपालगंज के चिरपट्टी गांव में जनसंवाद करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता से कहा कि आप अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष जनता बैठकर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करती है, लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन जनता सब भूल जाती है। वोट सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर दिया जाता है। जो जाति से बचते हैं वो हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान, पुलवामा के नाम पर वोट देते हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि जिस नेता को चुनाव से पहले तक जनता गाली दे रही थी उसी नेता को जनता ने सब भूलकर वोट दे दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मोदी जी के नाम पर पाकिस्तान और पुलवामा के नाम पर वोट दिया। जब पुलवामा और पाकिस्तान के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके गांव में स्कूल कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि आपका लड़का नहीं पढ़ रहा है, आपके घर के लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं, आपके लोग पढ़ लिखकर घर बैठे हैं, आपको उसकी चिंता ही नहीं है। देखिए, लालू जी के लड़के ने 10वीं पास नहीं की है तब भी लालू जी को चिंता है कि उनका लड़का मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लालू जी को अपने लड़के की चिंता है, दिक्कत इस बात की है कि आपका लड़का 10वीं पास कर लिया है, बीएमए कर लिया है और उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही और आपको कोई चिंता नहीं। उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग जाति और धर्म के नक्शे में खोए हुए हैं, अगर चिंता होती तो वोट उसको दे के आते जो आपके लड़कों की पढ़ाई की व्यवस्था करता। प्रशांत किशोर ने जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि आपको वोट किस मुद्दे पर देना चाहिए, 5 किलो अनाज या बच्चों की पढ़ाई पर। हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिनकी शादी हुई है उन लड़कियों का क्या कसूर है। दरअसल ओवैसी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब असम सरकार बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सूबे में बड़ा अभियान चला रही है। अब तक वहां इसके तहत 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं ओवैसी ने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार है और ये फेलियर सरकार है, ये स्कूल नहीं खोलते पर मदरसों को तोड़ते हैं। उन्होंने वहां बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि जिनकी शादी हुई उनकी देखभाल कौन करेगा, लड़की का क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि जिस लड़की की शादी हो चुकी है उसका आप क्या करोगे। वहीं उन्होंने कहा कि असम सरकार मुस्लिमों के लिए बायस्ड है। दरअसल असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। सूबे की पुलिस ने शुक्रवार को अवैध करार दी गई शादियां करवाने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों सहित 2044 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसी पर ओवैसी ने कहा कि असम के सीएम झूठ बोलते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि सीएम हेमंत बिस्वा सरमा को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई संघ का कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि संघ और बीजेपी चौधरी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 28 जनवरी को दिए बयान में कहा था कि अगले 5 से 6 महीनों में हजारों ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वो कानूनी तौर से शादीशुदा पति ही क्यों ना हो, कई को उम्र कैद हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर आज ओवैसी ने सरकार को काफी घेरा है। उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को सरेआम फांसी देने की मांग की है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि उनमें दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलना चाहिए और सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि लोगों का जनादेश उनके खिलाफ है, ये चुनाव हारने की बौखलाहट है, इन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, वे आगामी चुनाव हारने से डर हैं और ऐसी ही बातें कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जानबूझकर हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। साथ ही कहा कि उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझने के साथ साथ उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं में रामचरितमानस का तिरस्कार
हो रहा है। इससे पहले अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फांसी की मांग की थी। राज्य मंत्री ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जनता दल से कांग्रेस, कांग्रेस से बसपा, बसपा से भाजपा फिर सपा में गए हैं, वो कल कहीं भी जा सकते हैं, इन्हें तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए। तो अखिलेश बाबू की पार्टी भगवान राम की विरोधी मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं सलाह दूंगा कि तत्काल उनको निष्कासित करें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।